गंगा में डुबकी लगाने से हो सकता है कैंसर। एक सर्वेक्षण में पता लगा है कि गंगा में डुबकी लगाने से कैंसर हो सकता है। द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी नेशनल सेंटर फॉर कंपोजिशनल कैरेक्टराइजेशन फॉर मटेरियल्स ने गंगा के वाटर सैंपल की जांच की है। जांच में पानी में कैंसर कारक तत्व पाए गए हैं। यह वाटर सैंपल जनवरी 2013 में हुए कुंभ मेले के दौरान लिए गए थे। बिहार के आशियाना नगर फर्जी एनकाउंटर मामले में 12 साल बाद सुनाई गई दरोगा को फांसी की सजा। 12 साल पहले 28 दिसंबर 2002 में शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के सम्मेलन बाजार में तीन निर्दोष युवाओं को फर्जी मुठभेड़ में पुलिस ने मार दिया था। बाजार में एक एसटीडी बूथ चलाने वाले से तीन युवकों की रॉन्ग कॉल को लेकर बहस हुई थी, जिसकी वजह से ये सारी मुठभेड़ हुई। अब 12 साल बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट 1 ने दरोगा को फांसी की सजा सुनाई है और तीनों पर जुर्माना भी लगाया है, जो विक्टिम्स की फैमिलीज को दिया जाएगा। पुलिस फोर्स में महिलाओं को 33% का आरक्षण, गुजरात सीएम आनंदीबेन पटेल ने किया ऐलान। गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने पुलिस फोर्स में महिलाओं के 33% आरक्षण का ऐलान किया। गुजरात पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी की पासिंग आउट परेड में उन्होंने ये ऐलान किया। सीएम ने कहा, समाज के उत्थान के लिए नारी का उत्थान जरूरी है। महिलाओं के लिए पुलिस में 33% का आरक्षण देने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य होगा। अचानक से हुए झगड़े में अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसे मर्डर नहीं कहा जाएगा। 18 साल पुराने नांगलोई इलाके में एक खातून की मौत के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे दो अक्यूज को दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत दी। अदालत ने उम्र कैद की सजा को रद्द कर उसे एक साल कैद की सजा सुनाई। दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जीपी मित्तल ने ये फैसला किया। हालांकि इन दोनों को मारपीट के मामले में गिल्टी करार दिया गया है। कल से दिल्ली में सेंट्रल सेक्रेटरिएट से मंडी हाउस चलेगी मेट्रो। मेट्रो के केंद्रीय सचिवालय मंडी हाउस सेक्शन को गुरुवार से पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। डीएमआरसी ने ऐलान किया है कि सेंट्रल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एम वेंकैया नायडू सुबह 9:30 बजे पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मंगलवार को कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी से सेफ्टी क्लियरेंस मिलने के बाद यह घोषणा की गई। वीक मानसून बन सकता है इंडिया में ड्रॉट जैसी कंडीशंस की वजह। 10 दिन हो गए हैं जो मानसून एक इंच भी नहीं हिला है और ये एक परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि इससे इंडिया में ड्रॉट की कंडीशंस आ सकती हैं, जिसकी वजह से ऑयल सीड्स और पल्सेस सूखे पड़ गए हैं। इसी की वजह से वेजिटेबल्स और अनियंस के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सेंचुरी की लोएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। वाटर लेवल पिछले साल के लेवल तक गिर चुका है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर मॉनसून तेजी से नहीं बढ़ा तो लोगों को राइजिंग फूड प्राइसेस की परेशानी से जूझना पड़ सकता है। बिहार में राजधानी एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 4 मरे और कई घायल। मंगलवार देर रात 2 बजे दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस बिहार के छपरा के पास हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन की 9 बोगियां पटरी से उतर गईं, जिसके चलते 4 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। रेल मंत्री सदानंद गौड़े ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना पर अफसोस जाहिर किया। अगले हफ्ते नियुक्त होंगे 6 नए गवर्नर। अगले हफ्ते लगभग 6 नए राज्यपालों की नियुक्ति हो सकती है। इस बारे में तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। राज्यपाल की रेस में शामिल भाजपा नेता लालजी टंडन ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। वैसे तो सत्ता परिवर्तन के बाद लगभग 1.5 दर्जन नए राज्यपाल नियुक्त किए जाने की तैयारी है। फीफा में ग्रीस ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराया तो वहीं उरुग्वे ने इटली को 1-0 से शिकस्त दी। फीफा वर्ल्ड कप 2014 में ग्रीस के जॉर्जियो सम्राट के इंजरी टाइम में पेनल्टी के जरिए किए गए गोल की बदौलत ग्रीस आखिर 16 में जगह बनाने में कामयाब हो गई है। हालांकि 74वें मिनट में आइवरी कोस्ट के विल्फ्रेड बोनी ने स्कोर बराबर कर दिया था, लेकिन सम्राट के गोल ने सब उलट दिया। वहीं दूसरी तरफ इटली को 1-0 से शिकस्त देकर उरुग्वे पहुंचा नॉकआउट में। उरुग्वे की तरफ से इकलौता गोल कैप्टन डियागो गॉर्डन ने किया। आंध्र प्रदेश कोर्ट ने धोनी के खिलाफ जारी किया अरेस्ट वारंट। मंगलवार को अनंतपुर की एक लोकल कोर्ट ने इंडियन क्रिकेट कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया।
विश्व हिंदू परिषद के एक लीडर वाई श्याम सुंदर ने धोनी पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था। इंडियन मैगजीन बिजनेस टुडे ने धोनी को हिंदू भगवान विष्णु के रूप में कवर पेज पर दिखाया, जिसमें उनके हाथों में डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स थे।